नोटिफिकेशन जारी कर हम लोग लगातार नोटिस कर रहे हैं। मोदी बातचीत करने पर इसको सब बोले मीडिया हो गया, मोदी मीडिया बन गया है। भारत देश को प्रणाली का प्रधानमंत्री चाहिए, दलाल है बीजेपी, बचाओ देश बचाओ, उनके तेजस्वी मॉडल चाहिए, तेजस्वी मॉडल चाहिए। 56 से 96 पूछ दिया क्या उसे हो जाएगा 5 साल बाद वैकेंसी आएगा। हम लोग शांतिपुर से, हमारे हाथ में कहा तलवार है, हमारे हाथ में किताब। सरकार जो है ना ये अपना मनमानी कर रही है और क्या कहेंगे, शांतिपुर तरीके से प्रोटेस्ट करने। हाँ ये ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि लाठीचार्ज हुए तो आपको डर नहीं है? देखिए अभी पटना की सड़कों पे हजारों की संख्या में रेलवे की तैयारी करने वाले चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो वो रोड पे निकल चुके हैं। रेलवे की तरफ से जो बहाली दी गई है 5696 सीटों की, उस बहाली के विरोध को लेकर के जो है कि छात्राएं भी अब जो है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी है और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज पूरे दिन जो है कि छात्र जो है कि काफ़ी बड़ी संख्या में रोड पे थे और आज ये संख्या कहाँ तक जाएगी, ये जो लोग हैं ये जो छात्र हैं वो क्या इतनी आसानी से इस प्रोटेस्ट को छोड़ देंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जो है कि लगभग घंटों दो घंटों से ये जो छात्र हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में इस जगह पे पहुंच करके और इस प्रोटेस्ट को जो है कि सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको एक बातें बता दें कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो ALP की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है 5696 उन सीटों को लेकर के बढ़ाने को लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में लगभग लाखों की संख्या में छात्र तैयारी करने वाले हैं तो वो छात्र जो है कि क्या 5000 भर्ती से क्या संतुष्ट हैं, तो नहीं, बिल्कुल वो 5000 भर्तियों से संतुष्ट नहीं हैं और ये जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन बढ़ रहा है और वो प्रदर्शन जो है कि बढ़ते जा रहा है और ये प्रदर्शन जो है कि कहाँ तक जाएगा, छात्र क्या अपनी बात को मनवाने के लिए क्या इतनी आसानी से बातों को समझेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप लोग लगातार देख ही रहेंगे किस प्रकार से ये जो हुजूम है ये जो क्राउड है वो बढ़ रहा है और ये जो लोग हैं वो बैनर तले जो है कि आंदोलन कर रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन, यानी को जो है कि अब रेल को रोका जाएगा, ट्रेनें को जो है कि बाधित किया जाएगा, उसका आवागमन को जो है कि पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। तो जो लोग हैं वो जो है कि उनके लिए मुश्किल तो हो ही जाएगा अगर एक भी ट्रेन जो है कि रुक जाती है। तो ये जो छात्र हैं ये जो है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है कि बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक एक करके जो है कि लोगों की छात्रों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। छात्राएं भी जो है कि इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इस प्रोटेस्ट में जो है कि लगभग पूरी पटना राजधानी से जो भी छात्र है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो छात्र जो है कि आए हुए हैं। छात्रों का क्या कहना है, छात्राओं का क्या कहना, सभी लोगों से बात किया जाएगा। अभी तक जो है कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता था और हर बार जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो छात्रों के द्वारा लगातार जो है कि लाठी का प्रयोग भी किया जाता है। आइए थोड़ा छात्रों से बात करते हैं, क्या लगता है सरकार इतनी आसानी से आपकी बातों को मान जाएंगी? नहीं नहीं लगता, हमें कुछ सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मोदी के ऊपर विश्वास हमको नहीं है, पूरा विश्वास क्या मोदी सरकार ने देना है तो नोटिफिकेशन जारी कर हम लोग लगातार नोटिस कर रहे हैं। मोदी बातचीत करने पर इसको ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, नहीं आ रहा रेल इंडस्ट्री मीडिया तो कोई देश मीडिया हो गया मीडिया है। भारत देश को प्रणाली का प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा ही अनभक्त प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास बाल बच्चा नहीं है। आज जिसको बाल बच्चा नहीं होता है वो बच्चों का दर्द नहीं समझता है, इसका बाल बच्चा नहीं है, दलाल है बीजेपी, बचाओ देश बचाओ, हमको तेजस्वी मॉडल चाहिए, तेजस्वी मॉडल चाहिए। युवा काल आपने बिजली भरा नाम की बात, तेजस्वी मॉडल चाहिए बिहार में, तेजस्वी सही थे, हाँ तेजस्वी एकदम सही थे, गुस्सा जो है कि जो युवा के हित में सोचेगा वो हम युवा उनको वोट देंगे, महीना में युवा के बारे में नहीं सोचेगा तो युवा उसको कभी वोट नहीं देगा। जो बीजेपी अभी देखिए 56 से 96 पहुंच दिया क्या उसे हो जाएगा 5 साल बाद वैकेंसी आएगा? कहा जा रहा है इंडेक्स में भारत का रैंक कहा है, डेवलपमेंट में भारत का अर्थव्यवस्था कहा है, मीडिया के स्थान का है, नहीं दे पाया
असर का रिपोर्ट क्या बताता है हमारे देश में शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है। ये देखिए भारत में ऐसे लोग हैं, भारत के युवा का ऐसा 45% युवा है जिसको दूसरा क्लास का इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है। ये हमारे शिक्षा का लाखों की संख्या में तैयारी करने वाले छात्र हैं और हजारों की संख्या में जो है कि बस भर्ती निकाली जा रही है, तो बाकी छात्र कहाँ जाएंगे, आखिर वो छात्र क्या करेंगे। मोदी हटाइए, मोदी हटाइए, मोदी हटाइए, देश बचाइए। पकौड़ा बेचिए, सब कोई जब पकौड़ा बेचने रहेगा तो खरीद को कौन खाएगा। पकौड़ा बेचने के लिए भी सबसे पहले हमको पैसा की आवश्यकता होगी, हम कहाँ से लाएंगे पैसा लेकर के। हम यहाँ खेत बेच करके आके पढ़ते पढ़ाई करें, यहाँ जमीन बेच बेच करके हमारे मम्मी पापा यहाँ भेजे हैं, हम 2019 से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ खाली हाथ लौटेंगे तो पापा को मम्मी को अपने गार्जियन को क्या मुंह दिखाएंगे, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। ये मोदी को जवाब देना होगा, मोदी हटाओ बेरोजगारी भगाओ। माँ का उम्मीद है हम लोग, माँ को उम्मीद क्या करेंगे, मौका ही नहीं हम लोग। प्रधानमंत्री जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो शिक्षा का मतलब वो नहीं जानेगा। इस जुमलाबाज खाली प्रधानमंत्री है, झूठेबाज है, जुमलाबाजी सरकार है, जुमला देके छात्र लोग भाग रहा है, कुछ कर रहा है। प्रोटेस्ट पे जो है कि सरकार लाठी चार्ज भी करवा देती है, तो आप लोगों को डर नहीं है? हम लोग संविधान के अंदर रह के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कोई आतंक्वादी नहीं है। हम लोग इतना क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा, आप लोग क्या करते हैं, दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा दबाया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग शांतिपूर से, हमारे हाथ में कहाँ तलवार है, हमारे हाथ में किताब है, क्यों रोका जा रहा है, रोका जा रहा। आप देखिए ना, हमारे हाथ में संविधान है, किताब है, हम लोग अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट है, आतंकवाद नहीं है। सीधी सी बात है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, इसके वजह से सारी चीजें प्राइवेट हो जाएगी तो उसमें किसको जगह मिलेगा, जो मोदी का आदमी है, जो पार्टी का आदमी है, जो नेता है उसके संपर्क में जो होगा, जो उसका आदमी होगा उसी को भरेगा। हम लोग छोटे वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास के हम लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। बंद नहीं होगा, होगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, जारी रहेगा, अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये जो छात्र है वो काफी बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट को जो है कि सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम आपको यहाँ की अपडेट दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है कि पूरी तरीके से इस रास्ते को समझिए तो बैरिकेड ही कर दिया है कि नहीं, आपको इससे आगे नहीं जाना है। और प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद हैं। सरकार चाहती है कि इस प्रोटेस्ट को जो है कि पूरी तरीके से तितर बितर कर दिया जाए, आगे जो है कि इस प्रोटेस्ट को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जबकि छात्र जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, फिर भी जो है कि इसको नहीं करने दिया जा रहा है। देखने वाली बात होती है कि क्या जो है कि प्रशासन के लोग जो है कि इसको आगे बढ़ने देते हैं कि नहीं। बाकी हम पल पल की रिपोर्ट यहाँ की आपको हम दिखा रहे हैं। कभी कभी अचानक से इतना तेज हल्ला हो रहा है कि हो सकता है कि प्रशासन को थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। छात्र छात्राएं सभी लोग जो है कि यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, सभी लोग जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करना जरूरी है छात्राओं से, हालांकि छात्राओं को पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है ताकि जो है कि यहाँ पे कोई बात ना हो, कोई जो है कि दिक्कत ना हो, इसी की वजह से जो है कि इस प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है। प्रशासन के लोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और प्रशासन के लोग भी जो है कि पूरी तरीके से यहाँ पे एकदम बल का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वक्त, क्योंकि ये हुजूम बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा छात्राओं से बात किया जाना जरूरी है। मैडम थोड़ा सा एक मिनट बताइए कि रेलवे के वैकेंसी के ऊपर ही आप लोग डिपेंडेंट थे या फिर दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कितना उम्मीद थी और क्या हो गया, आखिर क्यों रोड पर उतरना पड़ा आप लोगों को? हम लोग रेलवे की वैकेंसी पे ही डिपेंडेंट थे, इसीलिए हम लोग आईटीआई भी किए हैं। और आईटीआई किए हैं आप लोगों ने, यानी कि आप लोग पूरी तरह से एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी के इंतजार में थे? हाँ, हम लोग बस रेलवे का ही तैयारी कर रहे हैं 5 साल। कितनी वैकेंसी की उम्मीद कर रहे थे, कितनी वैकेंसी आनी चाहिए? हम लोग को मतलब उम्मीद था कि 60,000 प्लस वैकेंसी आएगा। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे? हम लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और सिर्फ 5696 वैकेंसी। आपके गुरुजन के आपका साथ दे रहे हैं? मतलब सर लोग तो साथ दे रहे हैं, लेकिन सर लोग से हम ये कहना चाहते हैं जब शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है तो आप लोग भी हम लोग के आगे आइए।
प्रशासन अभी आप लोग का रास्ता रोक रखे खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन ने क्यों रोक रखा आप लोगों को? ये लोग मतलब कि मतलब ये जो सरकार जो है ना ये अपना मनमानी कर रही है, और क्या कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने, हाँ ये बीजेपी जो है ना तानाशाही कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि लाठी चार्ज हुए तो आपको डर नहीं है? प्यासे एकदम से यहाँ पर आ गए, कहीं ना कहीं आपकी तबियत खराब होगी, आपके जान को खतरा हो सकता है, इतने प्रोटेस्ट में इतने सारे हजारों छात्र हैं, इसके बावजूद भी आप लोग इसमें शामिल होइएगा? हाँ। कितनी वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी आनी चाहिए? कम से कम तो 50,000 चाहिए था ना। कम से कम 50,000 वैकेंसी चाहिए आप लोगों को? हाँ चाहिए, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं लड़कियां ड्राइवर बनने के लिए तैयारी नहीं करती, इतना हिम्मत करके आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे थे? जो बच्चियां हैं ये कोई बड़े घराने से नहीं आती हैं, ये छोटे घर से, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग आती हैं, और पटना में आकर के हर महीने 5,000-10,000 रुपया खर्च करके ये लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि भाई हम नौकरी लें, हमारे घर की जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सुधरे। लेकिन जो छात्र है वो मानने को तैयार नहीं, प्रशासन इसको पूरी तरीके से रोक दिया है कि नहीं भाई आपको जो है कि प्रोटेस्ट को आगे नहीं ले करके जाना है, और इसकी वजह से जो है कि इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं कि कभी कभी पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग तितर बितर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपको हम यहाँ की अपडेट दे रहे हैं, ये जो अपडेट है ये पटना से निकल के आ रही है, और लगातार यहाँ पे जो छात्र है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।